राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा और अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां पे लूटपाट के दौरान 75 वर्षीय ललिता देवी की अपराधियों ने हत्या कर दी और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर सिटी SP वैभव शर्मा पहुंचे हैं और तमाम बिंदुओं की जाँच की जा रही है। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो उनके परिवार वालों ने सीधे तौर पर कहा है कि देर रात लूटपाट के दौरान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और 75 वर्षीय जो मृतक ललिता देवी है उनके गले से सोने का चैन लूट लिया गया है। पूरे मामले की बात कर ली जाए तो पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार राजधानी पटना में अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद नज़र आ रहे हैं और लगातार अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है और अपराधी बैक टू बैक लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे। अब इस पूरे मामले को लेके पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। रात में दादी सोई थी, खाना आती है एक देने खाना उन्हें देकर गई है करीबन 7-8 बजे के बाद। उसके बाद दादी सो रही थी तो हम लोग को नहीं पता है, हम लोग तो जानते हैं कि वो अकेले ही रहती है। सुबह में उनकी सर्वेंट बोली कि गेट नहीं खोल रही, आप लोग कुछ कीजिए। तो अब पीछे के दरवाजा से जब लोग एंट्री किया तो पता चला कि गेट पहले से खुला हुआ है और दादी को उठाई उठी नहीं रही है। जब बहुत देर के बाद हम लोग देखे कि उठ नहीं रही है तो देखे बॉडी पूरा ठंडा पड़ा है। तो उस टाइम भी हम लोग को लगा कि रात में तबीयत खराब हुआ होगा, हार्ट अटैक वगैरह आ गया होगा। लेकिन उस टाइम गौर करने के बाद पता चला कि उसका चेन नहीं है, इयर रिंग नहीं है और इयर रिंग का जो पीछे का टिप्पी होता है वहीं गर्दन के पास गिरा हुआ है, पायल नहीं था पैर में। और फिर भी उसको इतना लूट मार करने के बाद और कंबल उड़ा दिया था आधा, और पर्स पूरा बिखरा पड़ा है, वॉलेट वहीं पे है, बड़ा वाला पर्स है क्योंकि वो हमेशा पैसा तकिया के नीचे रखती थी। और कितने की चोरी लूट हुई होगी अंदाजा? अंदाजा उसका तो गहना ही होगा 4-5 लाख का। आप कौन होती हुई? किसी के पे शक है कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह? कैमरा का तार पहले ही काट चुका है छोड़ लो। आस पास के सामने जो हॉस्टल है उसके CCTV कैमरा में दो लड़कों की पिक्चर आई है जो कि यहाँ से रात 12:34 पर गेट से बाहर निकल रहा है और डरा सहमा हाथ में एक झोला लटकाए हुए है हेलमेट के साथ। और देखने में तो नहीं लग रहा कोई प्रोफेशनल चोर है, हाइट लगभग 5'1-2" के लमसम में है और एक उससे छोटा है। क्या लगता है कैसे मारा होगा? गला दबा के मारा। अगर पहचान गई होगी तो मार दिया होगा उसको। हाँ, वो पहचान गई, वो गेट नॉक करके अंदर एंट्री किया। किसी को घुसने नहीं देती अपने घर में, जानती है कि हम अकेले रहते हैं। वो भी आगे वाला दरवाजा से नहीं, पीछे वाला दरवाजा जो कि अपना पूरा जो रूम में सोती है वो रूम में कैमरा है। महीना का किराया ही आ जाता है 2-3 लाख। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि सुबह सुबह न्यूज मिला था जिसमें एक ललिता देवी नाम की वृद्ध महिला की लाश उनके घर में बरामद हुई थी। तो जब हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया, हम लोगों ने डॉग स्क्वाड बुलाया, पेशल की टीम भी बुलाया था, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई थी कि उनके घर में पीछे वाले दरवाजे से फोर्स एंट्री हुई थी और आगे वाले दरवाजे को छेड़छाड़ नहीं किया गया था। और जब हम लोगों ने डिटेल में चीज़ को देखा तो उनके यहाँ से बहुत कम चीज़ें मिसिंग थी, एक आध आइटम ही मिसिंग था। उनके हाथ में जो ज्वेलरी था वो भी उनके पास था और कई ज्वेलरी उनकी बॉडी पे प्रेजेंट थी। और एस सच घर में जो डकैती के बाद रॉबरी के बाद एक होता है उस तरह का कुछ ज़्यादा सीन नहीं था। चूँकि कुछ चीज़ें गई थी तो हम लोग दोनों के दोनों एंगल पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसमें पारिवारिक कलह का भी दूसरा एंगल है वो भी अभी प्रकाश में आया है और उस वाले बिंदु को भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि हो सकता है कोई जानने वाले ने ये जानते हुए कि हाँ ये लोग कहाँ रहती हैं, इनके पास क्या हो सकता है और उनके यहाँ किस तरह सीन क्रिएट करना है, इस उद्देश्य से उनके घर में एंट्री की हो। चूँकि लूटपाट ज़्यादा आइटम का नहीं हुआ है, ज़्यादा आइटम यहाँ से मिसिंग नहीं हुए हैं, तो इस दूसरी चीज़ को हम लोग पुष्टि खत्म नहीं कर सकते कि लूट का सीन क्रिएट किया गया है और मेन उद्देश्य हत्या का था। तो इस पॉइंट पे हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया है और हमको उम्मीद है कि एक स्टूडेंट में आप लोगों को इसमें हम लोगों को मिल जाएगा सफलता। सर अभी तक की जांच में फुटेज में हम लोगों को कुछ लोग नजर आए हैं और अब हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों का सत्यापन कराते हुए
उनकी गिरफ्तारी तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि वहाँ उनके घर के इनिशियली एक्चुअली क्या है, उनके घर का जो सीसीटीवी था उसके तार वगैरह काटे गए हैं, तो उसका तो डीवीआर हम लोगों ने ले लिया है। बाकी जो आसपास के कैमरे हैं उन्हीं से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, तो उसमें हम लोगों को कुछ चेहरे नज़र आए हैं और हम लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और इस केस में हमें सफलता मिलेगी। क्या वो वही हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को चेहरे क्लियर हो गए हैं, जल्दी से जल्दी सत्यापन करते हुए इसमें हम आप पुष्टि कर देंगे। इसमें अरेस्टिंग नहीं हुआ है, बट चूंकि हम लोगों को चेहरे क्लियर मिल गए हैं और ये दूसरा एंगल जो हम लोगों के सामने आया है इसमें भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पॉइंट्स नजर आए हम लोगों को, तो लूट वाला पॉइंट हमारे लिए प्रोमिनेंट नहीं है, हम दूसरे वाले पॉइंट की तरफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा उसमें कर रहे हैं। पहचान ऑलमोस्ट हो सकता है, उनके शरीर से शायद एक ही ज्वेलरी का आइटम मिसिंग है। जब मैं भी गया था तो उनके हाथ में भी अंगूठियां सोने की थी और उनके नाक में भी ऑर्नामेंट्स थे, तो अगर लूट का कॉमन पर्पज सिर्फ लूट होता तो उनके कम से कम शरीर से कोई आइटम नहीं छोड़ा जाता, बाकी तो अलग बात है। तो सिर्फ और सिर्फ लूट का पर्पज हो सकता है, नहीं हो दूसरा एंगल पर, इसीलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन जाते हैं। रोहित दर्शनी पटना।